हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक एलजी का फ्रिज है 5 स्टार, उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम है। और जब हमने उसको चेक किया तो उसके फ्रीज़र में जो है छेद है, तो आज हम इसका फ्रीज़र रिप्लेस करेंगे। और किस तरह से फ्रिज का फ्रीज़र रिप्लेस करते हैं, उसमें किस तरह से गैस इंस्टॉल करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि इस फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, इस फ्रिज में कूलिंग की प्रॉब्लम थी, इसमें कूलिंग नहीं हो रही थी। किसी टेक्नीशियन ने इसमें गैस डाली थी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी गैस निकल गई और इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम हो गई। हमने इसको जब चेक किया तो इसका दोस्तों फ्रीज़र जो है वो बहुत माइनर इसमें लीकेज है। एलजी का दोस्तों ये फ्रिज है, 5 स्टार ये फ्रिज है, एलजी मॉडल है, एलजी का है ये। और इसका फ्रीज़र जो है लीक है। अब हम इसका फ्रीज़र बाहर निकालेंगे, इसमें दूसरा फ्रीज़र लगाएंगे। क्योंकि इसका फ्रीज़र खोलने के लिए आपको साइड के दोनों इसको ओपन करने पड़ेंगे। देखिए, ये दोनों इसको निकालने के बाद इसका जो फ्रेम है उसको हटा देंगे। फ्रेम हटाने के बाद इसमें ऊपर 2 स्क्रू होते हैं फ्रीज़र में, उन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। देखिए, हमने इसका जो फ्रेम है उसको हटा दिया है। दो जो फ्रीज़र के ऊपर स्क्रू लगे होते हैं, दोनों स्क्रू को रिमूव करेंगे, दोनों स्क्रू को खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। और दोनों स्क्रू खोलने के बाद इसका फ्रीज़र आगे को आ जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इसमें फ्रीज़र में जो पाइप्स लगी होती है, लाइन लगी होती है जो पीछे जाती है, जिसको हम सेक्शन लाइन बोलते हैं, वो इसके अंदर ही होती है, फ्रिज के बॉडी के अंदर। और कैपलरी वाली लाइन भी बॉडी के अंदर होती है। तो हमें इसे निकालने के लिए इसकी कैपलरी और जो दूसरी पाइप है, इन दोनों को काटना होगा या फिर इसको हीट करके निकालना होगा। जिस तरह की आपकी फ्रिज की सिचुएशन हो, उस तरह से आप काम करेंगे। देखिए, इसकी कैपलरी को हमने इसको काट दिया, और जो फ्रीज़र की सक्शन लाइन है, फ्रिज की जो पीछे कंप्रेसर लगती है, उसको हीट करके बाहर निकाला है। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसका फ्रीज़र हमने निकाल दिया है। इसका जो एक नोक थर्मोस्टेट की इसमें लगी होती है, उसको आप बाहर निकाल दें। तो थर्मोस्टेट की नोक का क्लिप आप निकाल देंगे, ये क्लिप आप आसानी से पेचकस की सहायता से निकाल सकते हैं। और थर्मोस्टेट निकाल के इस तरह से आप फ्रीज़र बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, हमने इसका ये फ्रीज़र बाहर निकाल दिया है। हम इसमें नया फ्रीज़र लगाएंगे, LG का STAR 1 फ्रीज़र है। और दोस्तों, हम इसमें कैपलरी भी चेंज करेंगे, तो हम इसकी कैपलरी पहले ही बाहर फ्रीज़र में लगाएंगे, ताकि हम इसकी कैपलरी को आसानी से बदल सकें। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो कैपलरी पुरानी लगी हुई है, काफ़ी पुरानी, और थोड़ा मैंने इसको काट के देखा था तो इसमें गंद ज़्यादा था कैपलरी के अंदर। तो हम इसकी कैपलरी भी रिमूव करेंगे, और कैपलरी की जो ब्रेजिंग है फ्रीज़र में, वो बाहर ही कर लेंगे। देखिए, कैपलरी की ब्रेजिंग करते समय दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि कैपलरी पतली होती है और जो फ्रीज़र की लाइन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। इसलिए आपको जो अपनी लॉ है टांका लगाने के लिए, उसको पहले फ्रीज़र की लाइन पे अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद फ्रीज़र कैपलरी वाली पाइप को गर्म करना है। अब देखिए, हम इसकी कैपलरी को निकालने के लिए एक पीछे छेद करेंगे, छोटा सा एक पतला सा छेद कर लेंगे इसमें। और इस छेद के माध्यम से हम जो हमने नई कैपलरी लगाई है, उसको हम पीछे की साइड निकाल देंगे। और जो इसकी दूसरी पाइप है फ्रीज़र की, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सामने, उसको हम अंदर ही फ्रिज के अंदर ही ब्रेजिंग करेंगे, अंदर ही वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों, फ्रीज़र की पाइप को अंदर ब्रेजिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, हमने इसकी कैपलरी जो है सही से फोल्ड करके इसको कनेक्ट कर दिया है, इसमें बांध दिया है, और हमने इसकी कैपलरी उस छेद में से बाहर पीछे की साइड निकाल दी है। दोस्तों, इसकी जो ब्रेजिंग हम करेंगे अब इस पाइप की, वो अंदर फ्रीज़र के अंदर ही करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इसमें ब्रेजिंग करते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉडी होती है अंदर, तो आपकी जो लॉ है, जो आप जिससे ब्रेजिंग करेंगे, टांका लगाएंगे, उसको बहुत सावधानी पूर्वक लगाएं, ताकि इसकी जो
फाइबर है प्लास्टिक है वो जले ना, और इस पाइप को भी अंदर कर दें आप 1-2 इंच अंदर कर दें, ताकि हम जब फ्रेजिंग करें तो उसका लिक्विड पाइप के अंदर ना जाए और पाइप हमारी बैल्ड ना हो। तो देखिए हमने ऊपर टीन का टुकड़ा लगा रखा है और इसकी ब्रेजिंग अच्छे से कर दी है। ब्रेजिंग करने के बाद अब हम इसके फ्रीजर की सेटिंग, हमने देखिए इसके फ्रीजर को अच्छे से सेट कर दिया है, थर्मोस्टेट भी लगा दिया है, और आप देख पा रहे होंगे हमने जो कैपलरी लगाई थी वो कैपलरी उस होल में से ये वाली कैपलरी हमने पीछे को निकाल दी है। हमने इसका फ्रीजर अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसका NRV वाल खोलेंगे। वाल खोलने के बाद हम इसका जो ड्रायर है उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमने कैपलरी बदली है तो हमें ड्रायर भी बदलना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कभी गैस इंस्टॉल करें या कंप्रेसर नया लगाएं, तो जो भी ड्रायर है इसका फिल्टर जिसको बोलते हैं उसको आप नया ही लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में आगे कभी चॉकिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए हम इसका जो पुराना वाला ड्रायर है उसको गर्म करके बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसमें नया ड्रायर लगाएंगे, और नया ड्रायर लगाने के बाद इसमें गैस चार्जिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो पुराना ड्रायर है उसको गर्म करके बाहर निकाल दिया है, अब हम इसमें नया गैस ड्रायर लगाएंगे। और दोस्तों जब भी आप ड्रायर लगाएं तो अच्छी कंपनी का लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, गैस में कोई चॉकिंग की शिकायत ना हो, कूलिंग की शिकायत ना हो, क्योंकि यदि कूलिंग की शिकायत होगी तो फिर कस्टमर कहेगा अभी तो सही कराया है, और आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और फिर गैस भी आपको दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। देखिए इससे पहले कि हम इसमें ड्रायर लगाएं, हम इसका कंप्रेसर चला के इसका जो कंडेंसर है उसको फ्लैश कर लेंगे। हमने इसका कंप्रेसर चला दिया है और हमने कंडेंसर इसका देखा, तो इसके कंडेंसर में कोई कचरा नहीं है, फ्लैश है, साफ़ है, इसलिए हम इसमें ड्रायर की ब्रेजिंग करेंगे। देखिए ड्रायर की ब्रेजिंग करते समय दोस्तों थोड़ा 1-2 इंच पाइप ड्रायर के अंदर आप कर दें, और क्योंकि हम इसमें कंप्रेसर से ब्रेजिंग करेंगे, कंप्रेसर से इसका वैक्यूम करेंगे सिस्टम का, इसलिए हम इसमें इसकी जो दूसरी साइड है उसको पंच कर देंगे टायर की, उसमें पाइप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि कंप्रेसर से या वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते हैं तो उसमें पाइप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और यदि हम डायरेक्ट फ्रिज से वैक्यूम करते हैं तो ड्रायर में हमें एक पाइप और लगानी पड़ती है। यदि आपको इस विषय में जानकारी ना हो कि ड्रायर की पाइप से कैसे वैक्यूम किया जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि वैक्यूम पंप या कंप्रेसर के अलावा हम डायरेक्ट कैसे वैक्यूम करें। तो दोस्तों इसकी ब्रेजिंग करते समय ड्रायर की दोस्तों ब्रेजिंग करते समय जो कंडेंसर की पाइप है उसको ड्रायर में 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच अंदर कर देनी चाहिए, ताकि हम जो उसमें ब्रेजिंग कर रहे हैं हमारी वेल्डिंग राड का जो लिक्विड है वो पाइप के अंदर ना जाए, पाइप ब्लॉक ना हो। यदि पाइप ब्लॉक हो गई तो फिर चॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए हम इसकी ब्रेजिंग करते समय इसमें हम फ्लैक्स का यूज भी करेंगे। फ्लैक्स का यूज इसलिए करेंगे कि कंडेंसर की जो पाइप होती है वो लोहे की होती है और जो हमारा ड्रायर होता है वो कॉपर का होता है, तो यदि हम फ्लैक्स का यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें ब्रेजिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से टाँका लग जाता है, जिसमें लीकेज की कोई संभावना नहीं रहती है। तो आप भी फ्लैक्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए हमने इसका जो ड्रायर की ब्रेजिंग कर दी है, अब हम इसकी कैपलरी की ब्रेजिंग करने से पहले दोस्तों जो हमने टाँका ये लगाया है इसकी लीकेज चेक करेंगे। इसको हम ठंडा कर लेते हैं साबुन के या शैम्पू के झाग से, आप इसको ठंडा कर लें, उसी से हम इसकी लीकेज भी चेक करेंगे। तो कंप्रेसर चला के हम पहले इसकी टायर के टाँके की लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद ही हम कैपलरी की ब्रेजिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्रेसर इसका फ्रिज का चला दिया है। अब हम इसके जो टांके हैं, जो हमने ब्रेजिंग की है, उसकी लीकेज हैंड टू हैंड चेक कर लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी लीकेज हमने चेक की और लीकेज इसकी सही है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। दोस्तों, ड्रायर के टांके बिल्कुल ओके हैं, कहीं लीकेज नहीं है। अब हम इसमें कैपलरी की ब्रेजिंग करेंगे। दोस्तों, कैपलरी की ब्रेजिंग करते समय मैं आपको बता दूं, एक तो आप कैपलरी को कैपलरी कटर से ही काटें ताकि उसमें जो है उसका जो होल है, उसका जो छेद है कैपलरी का, वो अच्छे से खुल जाए। क्योंकि हम यदि प्लास से या किसी और सिस्टम से काटते हैं तो उसका जो होल है कैपलरी का वो पंच हो जाता है। इस वजह से गैस फ्लो से नहीं चलती है और फिर कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, कैपलरी कटर से देखिए हमने इसको अच्छे से काट लिया है और अब हम इसकी ब्रेजिंग ड्रायर में करेंगे। ब्रेजिंग ड्रायर और कैपलरी की ब्रेजिंग करते समय दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जो ड्रायर होता है वो थोड़ा मोटा होता है और कैपलरी जो होती है वो पतली होती है। इसलिए हमें पहले ड्रायर को अच्छे से हीट कर लेना है, अच्छे से गर्म कर देना है, उसके बाद ही कैपलरी की तरफ अपनी गन की लॉ लेके जानी है। देखिए, हम इस पर ब्रेजिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हम पहले जो है ड्रायर को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद ही कैपलरी को गर्म करेंगे। देखिए, हमने इस पर ब्रेजिंग कर दी है, बहुत अच्छे से इसका टाँका लग गया है, बहुत अच्छे से ब्रेजिंग इसमें हो गई है। दोस्तों, हमारी ड्रायर की ब्रेजिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है, जो कंडेंसर से आती है, वो कंप्रेसर में ऑलरेडी लगी हुई है और जो हमारी सक्शन लाइन जो फ्रीजर से आती है वो ऑलरेडी हमारी कंप्रेसर में लगी हुई है। तो हमारी ये जो ब्रेजिंग थी, जो टाँक का काम था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सिस्टम को वैक्यूम पर लगाएंगे। वैक्यूम पर लगाने के बाद इसका अच्छे से वैक्यूम करेंगे, हम कंप्रेसर से इसमें वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद ही हम इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए, हमने NRP में वाल लगा दिया है, जो हमने वाल पहले खोल लिया था, ये वाल इसका कस दिया है। अब हम इसमें चार्जिंग लाइन लगा के कंप्रेसर से ही इसका वैक्यूम करेंगे। मैंने आपको बताया था हम कंप्रेसर से इसका वैक्यूम करेंगे, इसीलिए हमने टायर में को चुकोई जो पाइप होती है एक एक्स्ट्रा वैक्यूम के लिए, वो नहीं लगाई है। तो देखिए, हमने कंप्रेसर से वैक्यूम इसका स्टार्ट कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे अभी प्रॉपर तरीके से इसका वैक्यूम नहीं हुआ है। जब इसका वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो वैक्यूम है वो कंप्लीट हो चुका है, -30 HG ये पहुंच गया है मीटर। अब हम इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हमारे पास R134 का सिलेंडर है, इसमें R134 गैस चार्ज करेंगे। तो हम सबसे पहले ये कंप्रेसर जिससे हमने वैक्यूम किया था, इसमें से चार्जिंग लाइन खोल लेंगे और फ्रेंड्स, हमने इसमें सिलेंडर लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये हमने सिलेंडर इसमें लगा दिया है और सिलेंडर को खोल भी दिया है। अब सबसे पहले हम थोड़ा इसमें से गैस निकाल देंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह हो वो निकल जाए और उसके बाद इसका वाल्व खोलेंगे और बहुत धीरे धीरे इसमें गैस हमें छोड़नी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका वाल्व खोल दिया, अभी हमने फ्रीज स्टार्ट नहीं किया है। इसमें गैस उतनी डाल देंगे ताकि इसका वैक्यूम टूट जाए। तो देखिए, इसका वैक्यूम छोड़ दिया है। अब हम फ्रिज का प्लग लगाएंगे और फ्रिज स्टार्ट करेंगे। फ्रिज देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रिज स्टार्ट कर दिया है। वो बहुत धीरे धीरे इसमें गैस को हमें रिफिल करना है, गैस चार्ज करना है। फ्रेंड्स, देखिए हमने सिलेंडर उल्टा कर दिया है, सिलेंडर उल्टा करके गैस चार्ज करेंगे। हम इसका वाल्व खोलेंगे और धीरे धीरे इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए, मैं अब इसका वाल्व खोलता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने गैस लगभग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन देखिए अब आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए इसकी सुई वैक्यूम में दिखा रहा है। तो अब ये वैक्यूम में क्यों दिखा रहा है दोस्तों, जाड़ों में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि गैस जो है प्लगी को भी थोड़ा गर्म करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा इसका फ्रीजर भी हीट करना होगा, उसके बाद इसकी जो चौकिंग है खुल जाएगी, क्योंकि जाड़ों में ये स्थिति आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, जाड़ों में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि गैस चार्ज करते समय वैक्यूम में फ्रिज कंप्रेसर वैक्यूम शो करने लगता है मीटर हमारा। देखिए मैं अब इसको आपको आगे फ्रीजर को इसको गर्म करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा फ्रीजर भी हमें गर्म करना पड़ेगा। दोस्तों आप हल्का सा फ्रीजर भी इसका गर्म करते हैं ताकि इसकी चौकिंग खुल जाए। देखिए फ्रेंड, हमने इसका फ्रीजर अच्छे से गर्म कर दिया है और आप देखिए सुन पा रहे होंगे इसमें पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब इसमें आवाज आना शुरू हो गई फ्रीजर में। देखिए आप सुनिए आवाज, देखिए इसमें प्रॉपर आवाज आ रही है। अब मैं आपको आगे पीछे इसका मीटर दिखाता हूँ कि मीटर हमारा माइनस से प्लस में गया या नहीं गया। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो मीटर है वो प्लस में गया, अभी आप देख पा रहे होंगे ये 15 PSI के आसपास शो कर रहा है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे खुद नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी हमने इसको गर्म किया है तो इसका ये PSI बढ़ा हुआ है। इसको हमने 8 से 10 PSI पे इसकी गैस रखनी है, हमने गैस इसमें कंप्लीट कर दी थी। अब ये धीरे धीरे इसकी सुई जो है नीचे खुद आएगी क्योंकि जाड़ों में दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने सोचा चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ, कई बार आपको लगेगा कि क्या हुआ इसमें। देखिए ये ऑटोमेटिक इसकी जो सुई है वो नीचे को आने लगी है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, और अब इसमें अंदर कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गई होगी। इसका जो कंडेंसर है प्रॉपर तरीके से गर्म हो रहा है, अब मैं आपको अंदर इसकी कूलिंग भी दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी कूलिंग आई है, ये सब में बर्फ जमी हुई है, आप देख पा रहे होंगे सब में स्नो आ गई है पूरे फ्रीजर में और बहुत अच्छे से इसमें बर्फ आ गई है दोस्तों, बहुत अच्छी कूलिंग इसमें आई है। इस तरह से दोस्तों आप गैस दोस्तों इसमें हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसका ये चार्जिंग लाइन खोल के और इसमें वाल की लीकेज चेक करके इसमें नट लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप फ्रिज में गैस कैसे इंस्टॉल करें उसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। नया फ्रीजर कैसे लगाएं इसकी जानकारी भी आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।